सब्सक्राइब कीजिए लेडीज दुनिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको इस वीडियो में लेफ्ट ओवर चपाती के एक रेसिपी दिखाने वाली हूँ। एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बन के रेडी हो जाता है, बहुत ही छटपटा रहता है और इसके ऊपर आप घी डाल के खा सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल के सरसों और जीरा डाल दिया है और कटे हुए ऑनियन और कटे हुए ग्रीन चिलीज डाल के यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चपाती को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के या फिर तोड़ के रख दिया है और ये बहुत ही थोड़ा सा क्रिस्पी है, कल का बचा हुआ चपाती है और इसे थोड़ा सा ऐसे ही मिलाते रहेंगे। अच्छी तरीके से फ्राई होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कांदा लहसुन मसाला डाल देते हैं। आपके पास कांदा लहसुन मसाला नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फिर हो सके तो आप यही यूज़ करें। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। उपमा बनाने के लिए कैसे आप मेजरमेंट करते हैं वैसे ही थोड़ा मेजरमेंट करके आप चपाती कितना है देख के आप थोड़ा सा पानी डाल के रख दीजिए। और यहाँ पे मैंने ग्राउंडनट का पाउडर भी बना के रख दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी जो हमने ये बना के रखा था इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं और ग्राउंडनट पाउडर भी डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से बॉईल आ रहा है तो फिर फ्लेम लो कर देते हैं और थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे। इससे जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही चटपटा टेस्ट बनेगा। और ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी इसे अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइए। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट चेक करिए, नमक वगैरह कम है तो आप डाल के रख सकते हैं और यहाँ पे जो हमने चपाती तोड़ के रखा था यहाँ पे डाल के अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ऐसे ही अच्छी तरीके से मिलाने के बाद थोड़ा सा कवर करके रख देते हैं। 3 से 4 मिनट होने के बाद अब फिर से कवर किए हुए निकाल के यहाँ पे थोड़ा सा चेक कीजिए और यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और अच्छी तरीके से मिलाएंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे थोड़ा सा पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये हो चुका है। तो फिर आप भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी होता है। और जो बचे हुए चपाती कोई भी नहीं खाता है तो आप इस रेसिपी को ट्राई करके देख सकते हैं। आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।